आप देख रहे हैं सबसे तेज चैनल पर सबसे फिट। बाहर जाना है और ऊपर से आंखें सूज रही हैं? फिकर नॉट, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ इलाज हम आपको बताते हैं। बर्फ के ठंडे ठंडे पानी में डालें स्टील का चम्मच और उसे आंखों पर रख लें। जब उसकी ठंडक खत्म हो जाए तो दूसरा चम्मच रख लें। इससे आंखों की सूजन यानी पफिनेस हो जाएगी छूमंतर। और अब मैं भी हो जाती हूँ छूमंतर, ताकि आप देख सके हमारी अगली रिपोर्ट। हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि जरूरत से ज्यादा पसीना, और इसकी वजह से शरीर में दुर्गंध और इन्फेक्शन अच्छी खासी परेशानी का सबब होते हैं। इनसे छुटकारे के लिए इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है न्यूरोटॉक्सिन बोटॉक्स। किसी भी एरिया की नर्व सप्लाई को ये ब्लॉक कर देता है। तो इसी तरह से जैसे फेस में हम यूज करते थे नर्व सप्लाई मसल्स की ब्लॉक करते थे, पर यहाँ स्वेट ग्लैंड्स की नर्व सप्लाई जो होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। चूँकि किसी भी एरिया को फंक्शन के लिए नर्व की ज़रूरत होती है फंक्शन के लिए, तो वो स्वेट ग्लैंड्स जो है फंक्शन करना बंद कर देती हैं जब उनकी नर्व सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। यूं तो इंजेक्शन लगने के 3 या 4 दिन बाद ही बोटॉक्स असर करना शुरू कर देता है, और इसे देने से पहले ये जांच करना जरूरी है कि इलाज करवाने वाले को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं, या फिर पसीने वाली जगह पर उसे किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में इंजेक्शन से पहले परेशानी का इलाज जरूरी है। पहले तो हिस्ट्री से हम लोग पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सी स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि हाइपर एक्टिव हैं, और कई बार सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से वहाँ एक्जिला के रीजन में, और वो सिस्ट फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉब्लम करती है, पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो इन कंडीशंस को देखते हुए हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कि इस पेशेंट को बोटॉक्स की ज़रूरत है। बोटॉक्स के जरिए हाइपरहाइड्रोसिस का इलाज कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसे 6 महीने के बाद फिर से लगवाने की जरूरत पड़ती है, और एक बार का खर्च करीब 15,000 रुपए तक आता है। अंजू बिष्ट, दिल्ली आज तक। रहिए फिट, लेकर आता है मेडिकल जगत की ताजा तरीन रिसर्च स्टडीज। क्या कहती हैं आज की सुर्खियां? आइए देखते हैं। कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन बच्चों की सेहत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताज़ा रिसर्च के मुताबिक छोटी उम्र से ही कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने वाले बच्चों में आगे चलकर कैंसर और इनफर्टिलिटी का खतरा खड़ा हो सकता है। जूतों से बदबू आए तो ग्रीन टी से छुटकारा दिला सकती है। रिसर्च के दौरान पाया गया है कि ग्रीन टी को जूतों में डालकर रखा जाए तो ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है जो कि बदबू के लिए जिम्मेदार होते हैं। पाकिस्तान से इंग्लैंड और इंग्लैंड से बॉलीवुड, अपने पहले ही म्यूजिक एल्बम ओए से दुनिया भर में धूम मचाने वाली पाकिस्तानी पॉप सिंगर शमाला खान अब हिंदी फिल्मों को भी अपने सिरों से सजाएंगी। वैसे जितनी संजीदा वो अपने संगीत को लेकर है, उतनी ही संजीदा अपनी फिटनेस को लेकर भी। तो आइए जानते हैं शमाला से उनके फिटनेस फॉर्मूले।